नमस्कार दोस्तों अगर आप एक स्टोर एग्जेक्टिव हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एक स्टोर एग्जेक्टिव अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है तो आइए दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हुए रिज्यूमे मेकिंग पर फोकस करते हैं आइए दोस्तों फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं एक स्टोर एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल के लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे आप कैसे बना सकते हैं तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन अपना मोबाइल नंबर अपना ई मेल और अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक दोस्तों लिंकन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल एच एंड रिक्रूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं दुनिया भर के एच और रिक्रूटर लिंग के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक मैंशन करते हैं और अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पास बेहतर कंपनीज से इंटरव्यू के कॉल आने के तो हमेशा याद रखिए अपने रिज्यूमे में अपने लिंकड प्रोफाइल का लिंक जरूर मैंशन करें आइए एक नजर डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पे जो कि कुछ इस प्रकार है सीकिंग अ जॉब ओपनिंग ऑफ सीनियर स्टोर एक्जेक्टिव इन अ रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय नॉलेज एंड स्किल्स इन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो सीनियर स्टोर एक्जेक्टिव की जॉब ओपनिंग ढूंढ रहा है एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को यूटिलाइज कर सके मतलब उनका उपयोग कर सके ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में मतलब योगदान भी दे सके वो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में आइए अब एक नजर डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर जो कि कुछ इस प्रकार है स्किल्ड नॉलेज ऑफ स्टोर मैनेजमेंट यहाँ पर कैंडिडेट कह रहा है कि उसको स्टोर मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी स्किल्ड नॉलेज है नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मटेरियल मैनेजमेंट मतलब कैंडिडेट को इन्वेंट्री कंट्रोल और मटेरियल मैनेजमेंट की भी बहुत मजबूत नॉलेज है थर्ड पॉइंट में उसने मैंशन किया है स्ट्रॉन्ग प्रोसेस नॉलेज ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड स्टोर ऑपरेशन मतलब जो भी स्टोर ऑपरेशन के इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस होते हैं उसकी बहुत अच्छी प्रोसेस नॉलेज कैंडिडेट के पास में है ये उसने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर उसने मेंशन किया है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मतलब कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि उसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए एबिलिटी टू मेंटेन एक्सीलेंट कस्टमर रिलेशंस यहाँ पर कैंडिडेट कह रहा है कि उसके पास योग्यता है बहुत अच्छे कस्टमर रिलेशंस बनाने की लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंडिडेट यहाँ पर कह रहा है अ टीम प्लेयर विथ एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है मतलब उसके पास बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी है इसके साथ साथ उसके अंदर एनालिसिस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी योग्यता है तो अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी में लिखे हुए पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी फोकस किया है और अगर आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को इस तरीके से लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे काफ़ी इंप्रेसिव बन जाता है एच और रिक्रूटर को काफ़ी इंप्रेस करता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें जो लिखे गए हैं वो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन होते हैं तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं एव एक नजर डालते हैं रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस पे देखिए यहां पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है जीरो 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 स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब ये वो कंपनी है जहां पर वो कार्य करता है न्यू दिल्ली यहां पर उसने लोकेशन मेंशन की है स्टोर एग्जेक्टिव यहाँ पर उसने वो प्रोफाइल मैंशन की है जिस पर वो कार्य कर रहा है और उसके बाद देखिए उसने मैंशन किया है कि वो कब से आज तक किस कंपनी में कार्य कर रहा है तो इस फॉर्मेट पर आप अपनी ये इंफॉर्मेशन मैंशन कर सकते हैं उसके नीचे देखिए लिखे गए हैं की रोल्स मतलब इस जॉब प्रोफाइल पर वो कौन कौन से कार्य है जो कैंडिडेट करता है हम उन पर एक एक करके फोकस करेंगे पहले पॉइंट in मतलब और जो डेली एंट्रीज होती है उन्हें ईआरपी में मार्क करता है कार्य है नेक्स्ट पॉइंट में उसने किया मॉनिटरिंग प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल मतलब स्टोर में जो मटेरियल होता है उसका प्रॉपर स्टोरेज और प्रिजर्वेशन को मॉनिटर करना उसका कार्य है थर्ड पॉइंट देखिए इंश्योरिंग कम्पलाइंसिस प्रोसीजर्स फॉर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल मतलब स्टोर में जो मटेरियल होता है उसके स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए सारे जो कम्प्लायसिस प्रोसीजर होते हैं उन्हें इंश्योर करना यहाँ पर कम्पलायंस प्रोसीजर का मतलब है जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके हिसाब से चीज़ें करना फॉर एग्जाम्पल जैसे आई स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके हिसाब से क्वालिटी को मेनटेन करना प्रिजर्वेशन करना नेक्स्ट पॉइंट देखिए Preparing monthly, half yearly and annual. इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इसका अर्थ है कि जो कैंडिडेट है वो मंथली हाफेली और एनुअली इन्वेंट्री रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ये भी उसका कार्य है इंश्योरिंग सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल जो मटेरियल होते हैं उसको सेफ तरीके से हैंडल करना उसको इंश्योर करना ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्टिंग पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग फंक्शन इन स्टोर स्टोर में जो पैकिंग और डिस्पैचिंग फंक्शन होता है डिस्पैचिंग का मतलब हो गया भेजने का जो फंक्शन होता है उसको भी सपोर्ट करना ये भी उसके कार्य में आता है नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग स्टॉक इन टाइम एंड मेंटेनिंग स्टॉक लेजर इन ई मतलब स्टॉक को प्रॉपर टाइम में ऑर्डर करना और स्टॉक लेजर को ईआरपी में मेंटेन करना ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ ऑपरेशंस अपने डिपार्टमेंट में और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना जिससे बहुत अच्छी तरीके से सारे ऑपरेशन हो पाएँ ये भी उसका कार्य है मेंटेनिंग स्टॉक मेंटेनिंग स्टोर स्टॉक रजिस्टर एंड एसेट स्टॉक रजिस्टर मतलब जो स्टोर स्टॉक रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करना और जो एसेट स्टॉक रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करना ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कोऑर्डिनेशन विथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना उनको बिल भेजना जिससे पेमेंट हो सके और मटेरियल uh, आ पाए ये भी उसके कार्य में आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेंटेनिंग सेफ़ सिक्योर एंड क्लीन वर्किंग एन्वायरमेंट इन स्टोर स्टोर में एक सेफ़ सिक्योर और क्लीन वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ये भी उसके कार्य में आता है तो इस तरीके से अगर आप अपने रिज्यूमे में अपनी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव बन जाता है दूसरी तरफ इस uh, पूरे डिस्क्रिप्शन में इन सारे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने वो की वर्ड्स लिखे हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर सकते हैं जिससे आपका रिज्यूमे काफी हद तक ए फ्रेंडली बन जाता है और आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बाद कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशेंसी पर भी फोकस कर लेते हैं देखिए यहां पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसको ई सॉफ्टवेयर चलाना आता है उसको सैप एस डी मॉड्यूल मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल बहुत अच्छे से आता है उसको टेली के बारे में नॉलेज है उसको एम एस ऑफिस अच्छे से आता है तो इस फॉर्मेट पर आप लिख सकते हैं अपनी टेक्निकल प्रोफिशंसी के भी बारे में इसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट के पर्सनैलिटी ट्रेड्स पर देखिए उसने लिखा हुआ है कि वो एक प्रोएक्टिव व्यक्ति है प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आने वाली सिचुएशन और चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार होता है नेक्स्ट वन इज़ क्विक लर्नर वो तेजी से सीखने वाला व्यक्ति है एंड थर्ड में उसने लिखा हुआ है कि वो एनालिटिकल है अगर आप गौर से इन पर्सनैलिटी डेट्स को देखेंगे तो एक स्टोर एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं इन काबिलियतों का होना तो ये आप अपने पर्सनैलिटी डेट्स में मैंशन कर सकते हैं और हमेशा याद रखें जब कभी भी रिज्यूमे में पर्सनैलिटी डेट्स लिखें तो उन्हीं पर्सनैलिटी डेट्स को लिखें जो उस जॉब को बेहतर तरीके से करने में आपकी मदद कर सकते हैं इनरेलीवेंट पर्सनैलिटी डेट्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है आइए एव एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे तो देखिए यहाँ पर उसने लिख रखा है पहले पॉइंट में कि उसने डिप्लोमा किया है स्टोर मैनेजमेंट में ए बी कॉलेज से 2020 में फिर उसने बीकॉम किया है 2019 में फिर उसने लिखा हुआ है कि उसने अपना ट्वेल्थ किया था सी बोर्ड से 2016 में और उसने अपना हाई स्कूल किया था 2014 में आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखी जाती है और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे बाद में लिखी जा सकती है तो आप देख सकते हैं 2020 सबसे पहले लिखा गया है और 2014 सबसे अंत में लिखा गया है तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में इसके बाद बढ़ते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ तो देखिए यहां पर कैंडिडेट ने अपने नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ लैंग्वेज नोन परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर उस हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं आप चाहें तो रिज्यूमे के लास्ट में एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो मेरे द्वारा सत्यापित हैं वो पूरी तरीके से सत्य हैं नीचे डेट प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं और इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं अब आप में से कई लोग कहेंगे मैंने इसमें हॉबीज़ नहीं लिखी हैं दोस्तों हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ हो गई जिन्हें आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कवर कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को बेहद स्पेसिफिक बनाएं छोटा बनाएं क्रिस्प बनाएं और उसमें वो चीज़ें मेंशन करें जो ज़्यादा रेलिवेंट है अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल समरी वर्क एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है तो इस तरीके से आप एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं स्टोर एक्जिक्टिव की प्रोफाइल के लिए और मैक्सिमम कंपनीज़ को अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं और आपका रिज्यूमे डेफिनेटली मैक्सिमम कंपनी को अपील करेगा और आपके पास बेहतर कंपनीज से इंटरव्यू के कॉल भी आएंगे